हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इग्नू शिक्षा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पेपर टू जो है एडुकेशन सब्जेक्ट के, यहाँ से यूनिट वन। इसमें एडुकेशनल थिंकर है, एडुकेशनल थिंकर के रूप में आज हम जे कृष्ण मूर्ति के ये बारे में बात करेंगे। उनकी एजुकेशनल फिलोसफी क्या था, एजुकेशन में, इंडियन एजुकेशन में इनका रिलेवेंस क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं जय कृष्णमूर्ति का एजुकेशनल फिलोसफी क्या है उनके बारे में। देखिए, जय कृष्णमूर्ति, उनका बात हुआ है 11 मई 1859 में मदनापल्ली आंध्र प्रदेश में। उनका डेथ हुआ है 17 फरवरी 1986 में ऑज कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में। और उन्होंने ऑक्यूपेशन के फिलोसोफर है, ऑथर एंड पब्लिक स्पीकर था। तो एफेक्शनेटली उनको कृष्ण जी और जेके कहते हैं, सभी लोग उनको प्यार से कृष्णा जी और जेके कहते हैं। ये जो है, एट द एज ऑफ 14 ही ज्वाइंट हिज फादर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फंक्शंस ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी एट आडियर चेन्नई। तो जब उनका 14 ईयर्स हो गया, तब उनके पिताजी ने उनको थियोसोफिकल सोसाइटी का जो एक्टिविटी है उसमें उन्हें इन्वॉल्व कर दिए, क्योंकि जय कृष्णमूर्ति का मदर मदर का डेथ हो गया था अर्ली एज में। इनका जो बहुत ही कम उम्र था तब तो उनका डेथ हो गया था। तो उन्होंने मैडम एनिवेशन के पास रह के जय कृष्णमूर्ति जी बड़े हुए हैं। एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, जो उनका एज केवल सिर्फ 16 ईयर हो गया, तो ये एक बहुत ही अच्छा बुक राइट किए हैं। ये है एट द फीट ऑफ गुरु, एट द फीट ऑफ गुरु जो है ये बुक उन्होंने पब्लिश की है। तो देखिए, इनके पास बहुत ही मेधा था, इसलिए उन्होंने ये काम कर पाया। उन्होंने बहुत ही सारे लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन लैंग्वेज को सीखा था। तो क्या है, ही वाज अनहैप्पी विथ द प्रेजेंट सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में जो सिस्टम चल रहा था तब, उस सिस्टम में आकर जय कृष्णमूर्ति जी वो हैप्पी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो एजुकेशनल फिलोसफी अपने आप जो बिल्डअप किया है, वो जो उस टाइम की जो एजुकेशनल फिलोसफी है उससे नहीं मिलता था। उनके ख्याल से जो एजुकेशनल फिलॉसफी उस टाइम में इंट्रोड्यूस था, वो एक्चुअली ह्यूमन डेवलप की उपयोगी नहीं था। उन्होंने, हम यहाँ कहा जय कृष्णमूर्ति एक पब्लिक स्पीकर था, उनका जितना सारे लेक्चर्स है, ये सब लेक्चर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उन लेक्चरों में बहुत सारे लोग अटेंड होते थे। जय कृष्णमूर्ति का एजुकेशनल फिलोसफी जो है वो अब हम बात करेंगे, एजुकेशनल फिलोसफी क्या था उनका। जय कृष्णमूर्ति का पहला जो है, हिज एसे द नॉइजी साइल एंड साइलेंट माइंड्स, ये था जय कृष्णमूर्ति का दूसरा बुक है, द नॉइजी चाइल्ड एंड साइलेंट माइंड। तो यहाँ द नॉइजी चिल्ड्रेन बिकम साइलेंट
when they do something. जय कृष्णमूर्ति जी ने ये चीज ऑब्जर्व की है, जब बच्चों साइलेंट हो जाता है तब जाके बच्चों ने कुछ करते हैं, कुछ करते हैं. सो नॉइजी चाइल्ड एंड साइलेंट माइंड जो है, इस दोनों में, नॉइज एंड साइलेंट के दोनों चीजों में जो फर्क है लर्निंग एस्पेक्ट्स के तौर पे आके ये जय कृष्णमूर्ति जी ने डिस्कस की है. उन्होंने कहा एजुकेशन शुड स्ट्राइव फॉर इनर पीस. जो एजुकेशन होगा, एजुकेशन क्यों होगा, वो आदमी की इनर पीस के लिए, अंतरात्मा को जो शांति है, अपने खुद से खुद शांति मिलने का जो शिक्षा है ये देना चाहिए. सो एजुकेशन स्ट्राइव फॉर इनर पीस, आदमी का अंदर से सुख मिलना, ये उनका फिलोसोफी था. लर्निंग सोर्स उन्होंने, जय कृष्णमूर्ति जी ने लर्निंग का जो सोर्स के बारे में बताया ये है कि पहला है जो सोर्स, ये नेचर, नेचर से लर्निंग होगा. दूसरे जो है साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग इनका जो साइकोलॉजी है उनके बारे में भी लर्निंग होना चाहिए. तो जय कृष्णमूर्ति जी ने, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं कि जय कृष्णमूर्ति जी नेचुरलिस्ट है या नहीं, इसमें ऑप्शन सारी होगा. हमारा आंसर होगा जय कृष्णमूर्ति जी एक नेचुरलिस्ट थे. बाद में देखते हैं दोस्तों, एडुकेशन एंड डिसिप्लिन. जय कृष्णमूर्ति जी ने कहा एडुकेशन में क्या होगा, कुछ डिसिप्लिन भी इसमें शामिल होगा. जो डिसिप्लिन होगा ये नेचुरल होगा, डिसिप्लिन इसमें होगा, ये नेचुरल डिसिप्लिन होगा. एजुकेशन एंड अटेंशन, एजुकेशन लेने के लिए लर्नर्स के बीच में क्या होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए. यहाँ देखिए जय कृष्णमूर्ति जी ने जितना एजुकेशनल थॉट रखा है, स्कॉलरली बात किए हैं, जो जितना फिलोसॉफिकल बात की है, ये सब उनके ओरिजिनल एंड जेन्युइन थिंकिंग है. तो आप देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रीडम एंड लर्निंग, जय कृष्णमूर्ति जी ने फ्रीडम के साथ लर्निंग को जोड़ दिया. लर्निंग फ्रीडम के साथ होना चाहिए, फ्रीडम के बगैर लर्निंग नहीं होगा, फ्रीडम होना चाहिए लर्निंग. तो क्या है लर्निंग विदाउट कंपटीशन. यहां भी और एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि लर्निंग विदाउट कंपटीशन, लर्निंग जो होगा इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा, लर्निंग खुद की होगा, इसमें दो लर्नर्स के बीच कोई कंपटीशन नहीं होगा. फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी उन्होंने उनका एजुकेशनल फिलोसोफी में जोड़ दिए. क्या कहा, फ्रीडम, अगर आपने फ्रीडम को यूज किया है, अगर आपने फ्रीडम को एंजॉय किया है, तब जाके आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटियां बनते हैं जो सोसाइटी की ओर. तो फ्रीडम यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जय कृष्णमूर्ति जी ने जोड़ दी. इंडिविजुअल, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंडिविजुअल अवेकनिंग एंड लिबरेशन. जो यहाँ आके इंडिविजुअल अवेकनिंग, हर आदमी को, हर लर्नर को इंडिविजुअल अवेकनिंग है, अपने खुद के बारे में जानकारी होना चाहिए. एंड लिबरेशन, अगर खुद के बारे में उनका जानकारी होगा तब जाके वो क्या हो सकेगा, लिबरेशन उनका मिल सकेगा. लिबरेशन मिलने के लिए, लिबरेशन यानी शांति, पीस ऑफ माइंड, इनर पीस जो कहा है, उनका हर लर्नर का इनर पीस मिलेगा. इनर पीस मिलने के लिए क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल अवेकनिंग, खुद के बारे में जानकारी होना चाहिए. अगर खुद के बारे में जानकारी नहीं होगा तो जाते लिबरेशन नहीं होगा. हिज आइडियाज ऑन एजुकेशन क्या है, इन लिटिल प्रोफाउंड बुक
टाइटल्ड लेटर टू स्कूल, जो ये एक बुक है जो स्कूल में जाने वाले बच्चे के लिए, जो वॉल्यूम वन एंड टू में है, जो लर्नर्स के लिए बहुत ही उपयोगी था। अब क्या है, टीचर इन्फ्लुएंसेस एंड इनपुट्स द स्टूडेंट्स। टीचर का रोल के बारे में उन्होंने शॉर्ट में कहा है, टीचर इन्फ्लुएंसेस एंड इनपुट द स्टूडेंट्स। टीचर लर्नर को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, और लर्नर आपका जो इनपुट्स है वो एजुकेशन में देगा। रियल लर्निंग बिगिंस इक्वलिटी अमंग मेन। जो शिक्षा के बाद जो रियल लर्निंग होगा, रियल लर्निंग क्या करेगा, लर्नर्स के बीच में एक इक्वलिटी लाएगा। तो जे कृष्णमूर्ति फ्रीडम ऑफ लर्निंग के बारे में, शिक्षण की जो स्वाधीनता है उनके बारे में क्या बताया, फ्रीडम इन लर्निंग मीन दैट द लर्नर हैज गॉट द कैपेसिटी टू इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड हिम। जो लर्नर है उनके आसपास की जो चीज है उनको इंडिपेंडेंटली अगर ऑब्जर्व कर सके, उन्होंने लर्नर ने अगर स्वाधीन से आपके आसपास को ऑब्जर्व कर सके एंड एग्जामिन ऑल द आइडियाज, जो आइडियाज है उनके आसपास, वो विदाउट एनी प्रेशर, कंपल्शन के बिन, अगर कोई प्रेशर के बगैर वो उनका आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके, तब जाके क्या होगा, उनका फ्रीडम ऑफ लर्निंग, शिक्षण की जो स्वाधीनता है वो मिल गया, ऐसा बताते हैं जय कृष्णमूर्ति जी ने। तो फ्रीडम ऑफ लर्निंग पर हम जाके समझा कि फ्रीडम ऑफ लर्निंग पर जय कृष्णमूर्ति जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है, जो फ्रीडम ऑफ लर्निंग पहले नहीं होते थे। इसलिए जय कृष्णमूर्ति जी ने उस टाइम पे जो एजुकेशनल थॉट्स चल रहा था, एजुकेशनल प्रोसीजर्स चल रहा था, उनके अगेंस्ट में जय कृष्णमूर्ति जी ने ये सब बातें कही। सो फ्रेंड्स, ये था जय कृष्णमूर्ति जी के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बोलना चाहिए, ये हम कवर कर लिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।